सोशल मीडिया। हाय, आज मुझे सोशल मीडिया से दूर हुए 100 डेज हो चुके हैं एंड टुडे आई कैन से दैट आई एम फ्री फ्रॉम सोशल मीडिया। ये सब शुरू हुआ मेरे एक डिसीजन के साथ जो मैंने जनवरी 2024 में लिया था। सो बिना ज़्यादा देर किए मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि 2024 में आई एम गोइंग ऑफ सोशल मीडिया। मुझे लगा इस साल आई डोंट वॉन्ट स्मॉल चेंजेस, आई वॉन्ट बिग परमानेंट चेंजेस, क्योंकि मुझे क्लियर हो गया था दैट इफ़ आई डोंट चेंज माई लाइफ विल नॉट चेंज, और जितना बड़ा मैं अपने अंदर चेंज करूँगी उतनी ही ज़्यादा मेरी लाइफ भी चेंज होगी। डिसीजन तो ले लिया था लेकिन उस डिसीजन के साथ बने रहना मुश्किल था, बहुत मुश्किल। एक बेचैनी सी फील होती थी हर दिन और समझ आने लगा था कि प्रॉब्लम फोन में नहीं, मेरे अंदर है। ओके, सो आज मुझे सोशल मीडिया से दूर रहे हुए हो चुके हैं 3 से 4 दिन। बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि जैसे किसी को समझ नहीं आता कहाँ जाना है, रास्ता कहाँ है, क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि आपको अपने घर से किसी और के घर में, किसी और के दुनिया में भेज दिया और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी मज़ेदार प्रोसेस नहीं है। शुरू में अपनी बेचैनी से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढे, बुक पढ़ना स्टार्ट किया, जर्नलिंग करना शुरू किया और बस जहाँ थी वहीं इन्वॉल्व होने की कोशिश की। बस एक ही थॉट के साथ आगे बढ़ रही थी कि ये बेचैनी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और मुझे बस उस दिन तक बने रहना है। मुझे पता था कि कुछ टाइम में ये रात ढल जाएगी। सो बस अपने इसी थॉट के साथ चलते चलते मैंने देखा कि मैं सही थी। बेचैनी कुछ ही दिनों में ख़त्म होने लगी थी, अंदर आराम आने लगा और रियल लाइफ नहीं थी तो अपने आप ही रियल लाइफ की तरफ मैं ज़्यादा फोकस कर रही थी। सो मैं आज जा रही हूँ अपनी स्विमिंग क्लास में। टिंकर है। हाय गाइस, सो आज मुझे काफ़ी दिन हो चुके हैं साइकिल मैं अपनी स्विमिंग क्लास में ले जाती हूँ और जहाँ भी मुझे अगर कहीं जाना होता तो मैं ले जाती हूँ। आज ही मैं ये चीज़ सोच रही थी कि यार ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब मैंने अपने आप को टाइम दिया, अपनी लाइफ को टाइम दिया, उन चीज़ों पर फोकस किया जो मुझे लगता है मेरे को हैप्पी बनाएंगी, मुझे आराम देंगी, एंड वो हो रहा है। सोशल मीडिया पे बेस्ट दिखने का ट्राई करना, औरों की लाइफ को दिन भर देखते रहना, स्क्रॉल करते रहना उन रील्स पे जो शायद हमें देखनी भी नहीं थी, और फिर गिल्टी फील करना ये सोचकर कि हमने आज का दिन बर्बाद किया, ये सब अब नहीं होता मेरे साथ। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरा दिन बर्बाद कर दिया कहीं जहाँ मज़ा भी नहीं आया। शुरू में लगा था कि कुछ मिस तो नहीं कर दूंगी, पर जब अपनी लाइफ जीने लगी तो लगा मिस तो मैं अपनी स्प्रीशियस लाइफ को कर देती अगर फ़ोन में ही लगी रहती तो। वो वर्ल्ड जो काफ़ी अनरियल था मैं उससे बाहर आ चुकी हूँ। टुडे आई डोंट नो मेरे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, बट आई नो हाउ माई रियल लाइफ इज़ गोइंग, हाउ आई एम फीलिंग, एंड आई एम फीलिंग ग्रेट। लेस क्योस इन द हेड, लेस डिस्ट्रैक्शंस, लेस इल्यूजन्स एंड मोर इन टू रियलिटी। आई फील लाइक मैं अपने साथ अपनी लाइफ अब ज़्यादा जी रही हूँ, पहले से ज़्यादा अपने आप पे और अपने काम पे फोकस कर पा रही हूँ। शुरू में अपनी रियल लाइफ बोरिंग लगती थी, ना कोई सॉन्ग, ना कोई स्लोमो और ना ही हर 5 सेकंड में सीन चेंज होना। अपनी रियल लाइफ को जीने के लिए तो हर एक मोमेंट में ठहरना पड़ता है, लेकिन मैंने देखा है कि गहराई में जीने का मज़ा ही कुछ और है, उसमें ऊपर ऊपर यहाँ वहाँ जीने से कई गुना ज़्यादा प्लेजर है। आई एम स्टिल यूजिंग यूट्यूब फॉर वर्क एंड कभी कभार कुछ वीडियोस देख भी लेती हूँ, बट जब एक बार इतने टाइम तक सेल्फ कंट्रोल दिखा दिया तो अब अटकना मुश्किल हो गया है। आई वॉच अ वीडियो एंड ईजिली मूव ऑन कर जाती हूँ, अटकती नहीं हूँ अब। एंड मुझे लगता है इसका रीज़न ये भी है दैट आई हैव अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू इन माई डे। मैंने देखा है कि अगर जीने पर ध्यान दो, मज़ा आ रहा हो तो सोशल मीडिया काफ़ी फीका लगने लगता है। मुझे लगता है यही असली प्रॉब्लम है, आवर लाइव्स आर नॉट इंटरेस्टिंग इनफ। हम जी नहीं रहे हैं, हमें मज़ा नहीं आ रहा है जीने में, तो इजी ऑप्शन फ़ोन ही लगता है क्योंकि वहाँ ऐसा लगता है कुछ तो हो रहा है। हमारी चिड़ सारा टाइम सिर्फ फ़ोन देखने की नहीं है, हमारी चिड़ अपनी लाइफ ना जीने की है, क्योंकि इससे बड़ा दुख कोई और नहीं हो सकता कि हमें जो इतनी प्रीशियस लाइफ मिली थी उसको हमने जिया ही नहीं। क्यों हम रात को इतना थकने के बाद भी आराम करने की बजाय फ़ोन देखते हैं, क्योंकि दिन तो पूरा हो गया बट लाइफ जी ही नहीं। तो फ़ोन में चाहे मज़ा आए ना आए, हम वो मज़ा ढूंढते रहते हैं। मुझे ये समझ आ गया है सोशल मीडिया से फ्री होने के बाद
कि यस फोन इज एन इजी एस्केप बट फ्रॉम अ डल लाइफ। हमारा जितना ज्यादा फोन यूज होगा वो हमें यही बताता है कि वी आर नॉट एंजॉयिंग अवर डेज, वी डोंट लाइक द लाइफ वी आर लिविंग, सो कहीं और भाग रहे हैं। एंड द ओनली सॉल्यूशन, द ओनली रियल सॉल्यूशन दैट कैन टेक अस आउट ऑफ दिस रट इज बाय बिल्डिंग आवर लाइफ द वे वी लाइक, बाय मेकिंग इट सो गुड दैट लिविंग इट एवरी मोमेंट इज इनफ। हम सब लोग सोशल मीडिया से दूर जाने का ट्राई करते हैं पर फिर हम क्या देखते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं जिसमें मजा आए। वी ट्राई बट कुछ लगता ही नहीं है वर्थवाइल। इतना मेहनत किसके लिए करें, इस जीवन के लिए जो चार दीवारी में बंद है, अपने ही दिमाग में घुसा हुआ है। सो वी गो बैक, बैक टू द प्लेजर, बैक टू द फन वी नो। इन 100 डेज से आई हैव रियलाइज्ड कि रियल लाइफ का मजा रियल लाइफ से कई गुना ज्यादा है, बट वो नेक्स्ट लेवल लाइफ के लिए हाउ मच कैन यू सैक्रिफाइस टूडे, यही असली सवाल है। बस अगर आप आज का इंस्टेंट प्लेजर छोड़ के आज की मुश्किल को सह कर अपनी लाइफ बनाने पे ध्यान दे दो तो लाइफ सच में बन जाएगी और फिर अपने साथ जीने की रहने की एक ऐसी जर्नी शुरू होगी जिसको पाके लगेगा कि यार सच में जीने में मजा आ रहा है।